हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो देखिए, मैं आपको फटाफट नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे चार पीस हैं, जो 4 इंच की लंबाई है, 2.5 इंच की चौड़ाई है। ये भी मेरे चार पीस हैं, ये सेम 4 इंच की लंबाई है, 2.5 इंच की चौड़ाई है। ये मेरे एक पीस है जो 4-4 इंच का है। ये मेरे 4.5 इंच के 2 पीस हैं, 4.5 इंच 4.5 इंच। ये भी मेरे 4.5 इंच के 2 पीस हैं, 4.5 इंच 4.5 इंच। तो मैं इनका आपको सही से ये टुकड़े लगाने दिखाती हूँ। सबसे क्या पहले क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो हमारा पीस है इसको हम अलग करेंगे और इन दोनों टुकड़ों को साथ मिलेंगे। और क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये मेरे दोनों पीस आपस में। और यहाँ एक स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको लाइन लगाना दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन लगा ली है। अब हम बीच वाली लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ। सिलने के बाद हम इसमें बीच में से कट लगाएंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन लगा ली है। अब हम बीच में से कट करके इनको खोल के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बीच में से कट कर लिए हैं। अब इनको हमने खोल लिया है। और खोलने के बाद इनके जो कोने थे वे हमने कट कर लिए हैं। अब ये हमारा पूरा 4 इंच का पीस है। अगर आप थोड़ा भी एक्स्ट्रा आपको लगे तो आप उसको कट कर लीजिए, ठीक से अच्छी तरीके से नाप के आप उसको 4 इंच का ही कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चार पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इन चार पीसों को लेंगे और इनको आपस में जॉइंट करेंगे। तो ये ले लिया हमने, इसको यहाँ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो मैं अपने ये चारों पीस सिल लेती हूँ। तो ये हो गए मेरे चार पीस और उसको मैं चारों पीस आपको सिल के दिखाती हूँ। यहाँ सिलाई लगा के हम दो दो पीस जॉइंट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जॉइंट हो गए हैं और इनमें से मेरा थोड़ा ऊंचा नीचा कुछ थोड़ा हल्का फुल्का सा एक्स्ट्रा बाहर था, जो मैंने कट कर लिया है। पूरा 4.5 इंच का मैंने बराबर पीस नाप लिया है, 4 इंच का। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हमारे सारे टुकड़े तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इस डिज़ाइन को सेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इन टुकड़ों को जॉइंट करेंगे। तो पहले इस टुकड़े को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। इसको फिर यहाँ से ओपन करेंगे, फिर इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ सिलाई करके जोड़ के ऊपर कर लेंगे। तो हमारा पूरा पीस तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ऊपर वाले का हिस्सा सिल गया है। अब हमें ये सिलना है। तो हम इसको ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगा के, यहाँ से सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। तो मैं अपने ये पीस भी जॉइंट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा पीस भी सिल गया है। अब हम तीसरा सिल लेते हैं। तो इसको यहाँ से सिल के पलट देंगे और इसको यहाँ रख के सिल के पलट देंगे। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तीनों पीस जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाला पीस लेंगे और इस पर रख देंगे। सिलाई को सिलाई से मिलाएंगे ताकि हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिलाई से सिलाई जुड़ी हुई आए। तो ये हमने सिलाई से सिलाई मिला ली है, पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ से सिल देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ऊपर का पीस सिल गया है। सिलाई से ही जोड़ा है मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये सिलाई पे सिलाई रख पे रख के और यहाँ से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। इतना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इस डिज़ाइन को बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।